हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम 15 देख रहे हैं। चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कहता है 6 लेड एसिड बैटरीज हैं, तो काउंटिंग इन लोगों का 6 कर लेना है। सेकेंडरी सेल्स हैं, इनका एक बैटरी का ईएमएफ, मतलब सेल का ईएमएफ 2 है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 0.015। फिर कहता है इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस, और इसको लोड मान के चलना, मतलब ये आर का टर्म है, ठीक है। फिर कहता है करंट कितना ड्रॉन होगा और टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ये पूरे अरेंजमेंट के पास, ठीक है, एक बैटरी का नहीं बताना है आप लोगों को। तो ये देखते हैं क्या चल रहा है। आप देख सकते हो 6 सेल्स हैं हमारे पास और सीक्वेंस ऑर्डर में कनेक्टेड हैं ये सारे। इन सबका कंबाइंड एक आउटपुट होगा और साथ ही साथ इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, लोड है। तो इधर प्लस का टर्म है, तो करंट को ऐसे जाते हुए अपन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टैंडर्ड चीज़ें पूछी गई हैं, करंट कितना होगा और पोटेंशियल का टर्मिनल पे कितने डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन करंट के बारे में लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ, राइट, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। अगर ये सर्किट दोबारा बनाई जाए तो एक ही बैटरी बन सकती है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा और लोड आपका वैसे का वैसे रह जाएगा। मतलब देखो, ये सीक्वेंस में कनेक्टेड है, सीरीज में है, तो अगर एक का पोटेंशियल ई है तो यहाँ हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई। ये रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये भी काउंट होंगे, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, और यहाँ पर बच्चों आपका लोड है जो कि 8.5 है। तो इससे चलोगे ना तो आपको फॉर्मूला सीरीज कनेक्शन में बताया जाता है, वो होता है एन टाइम्स ऑफ ई, ठीक है, डिवाइड बाय आर प्लस एन आर, ठीक है। एन टाइम्स ऑफ ई मतलब ये हो जाएगा 6 × 2, डेट इज 12, ये हो रहा है 8.5 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 0.015, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इस तरह की टर्म आएगी, 12 डिवाइड बाय 8.5 प्लस ये हो जाएगा 0.09, दैट विल बी 12 बाय 8.59। ये 1.5 से कम मिलेगा और आपको 1.4 और कुछ डेसिमल में वैल्यूज मिलेंगे। हम 1.4 एम्पियर मान रहे हैं इसका करंट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के भी फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1.4 एम्पियर। फिर कहता है टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। अब देखो, ये जो करंट है ये तो निकल आया अपना 1.4 एम्पियर के नाम से, तो ये दोनों पॉइंट मान के भी पढ़ सकता है बच्चा, और इन दोनों पॉइंट्स को भी कर सकता है। जब डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है, डिस्चार्जिंग होती है तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी लिख देते हैं, जैसे मान लो ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, तो अपन को इक्वेशन पता होती है, ये होती है ई माइनस ऑफ आई आर, जो कि एक बैटरी से आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कई सारी बैटरीज हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कई सारे हैं। और या तो आप ऐसा कर सकते थे कि सर यहाँ से यहाँ तक का केवीएल लिख लेते हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। ये दोनों आपको एग्जैक्ट सेम आंसर देने वाले हैं। तो करंट है बच्चों आपका 1.4 टाइम्स ऑफ 8.5, विच विल गिव यू 11.9 वोल्ट्स, ठीक है। आप इससे भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो। तो बच्चों इसको सेकेंड लॉजिक से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेट बैटरी का टर्म हो जाएगा, तो 12 माइनस करंट है हमारे पास 1.4 और एन आर का टर्म था 0.09। न्यूमेरिकली इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम वैल्यू 11.9 वोल्ट। ये एक ही चीज़ को दो पार्ट में सॉल्व किया गया है, यहाँ से भी पढ़ोगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आना है और यहाँ से भी वही चीज़ मिल रही है। आइए बी पार्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बी पार्ट क्या कहता है, कहता है एक सेकेंडरी सेल है जिसको कई बार यूज़ किया है ना, लॉन्ग यूसेज के बाद उसका ईएमएफ कितना है 1.9 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 380। मतलब बच्चों ईएमएफ का टर्म यहाँ गिवन है 1.9 और छोटा वाला आर है 380। ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। जब किसी बैटरी को आप लॉन्ग यूसेज कर लोगे तो उसके इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से आपको वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता दिखता है और फिर अपन कहते हैं बैटरी ख़राब हो गई, उसको अलग कर देना चाहिए। तो कहता है कितना मैक्सिमम करंट ये ड्रॉ करेगा। तो अगर कभी आपसे बोले जाए कि बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, तो आप कहोगे कि सर इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग एनी लोड रेजिस्टेंस वी नीड टू शॉर्ट देम।
तो फॉर्मूला हो जाता है कि मैक्सिमम करंट का ये हो जाता है नेट ईएमएफ में ई और यहाँ हो जाएगा आर, तो दैट इज़ 1.9 और आर है हमारा 380। अगर यहाँ से इसको हटाते हैं तो ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 200 का टर्म मिल रहा है, 1/200 इज 0.005, ओके, और ये टर्म हमारा एम्पियर में मिलता दिखाई देगा, लेकिन ये मैक्सिमम टर्म है बच्चों। इस तरह की अगर बात हो कि मैक्सिमम करंट कैसे देख रहे हैं, तो ये शॉर्ट है ना, तो फॉर मैक्सिमम करंट है ना, टर्मिनल्स आर शॉर्ट। मैक्सिमम करंट के लिए हम टर्मिनल्स क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो देखो ये करंट की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा ही छोटी है, वेरी लो, और कार वगैरह का बैटरी स्टार्ट करने की बात कर रहा है। कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार, तो आंसर होगा स्ट्रेट नो, बिकॉज दिस करंट इज वेरी वेरी लेस और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अ मोटर ऑफ द कार, सो वी रिक्वायर्ड वेरी हाई करंट, तो आंसर होगा नो, इट कैन नॉट स्टार्ट अ मोटर, है ना, स्पेशली मोटर कार का यहाँ पे मैंशनड है ना। तो दो बातें हैं, लॉन्ग यूसेज के बाद आपका स्मॉल आर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से करंट बहुत ही नेग्लिजिबल मिलेगा, और आप इसको एक रीजनिंग आंसर में पुट अप करेंगे, नो इट कैन नॉट ड्राइव अ मोटर ऑफ अ कार। आइए आगे बढ़ते हैं।